आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारे मसीहा, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को तहे दिल से हार्दिक आभार आप सभी का व्यक्त करती हूं कि आप लोगों ने ये मंच यहां पर तैयार करके समाज के दूर दूर से बुद्धिजीवियों को यहां बुलाकर बाबा साहब की बात रखने के लिए मुझे भी मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका सादर आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे तो कोंडली विधानसभा की जहाँ तक बात है और कोंडली क्षेत्र की जहाँ तक बात है, मुझे बहुत गर्व होता है कि यहाँ पे बच्चा बच्चा जो है वो भीम का है, वो बाबा साहब के मिशन का सिपाही ही है। क्योंकि आज मैं भी मंच के द्वारा आप लोगों के सामने जो भी अपने वक्तव्य रख रही हूँ या आप लोगों से सम्मान पा रही हूँ, इसमें कोंडली के बच्चे बच्चे की भूमिका रही है। मैंने बोलना, समझना, मिशन क्या है, बाबा साहब के प्रति हम लोगों को समर्पित रहना चाहिए, वो सब आप लोगों से ही सीखा है। तो आप सभी बुद्धिजीवियों के बीच में आज इस खुशी के मौके पर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप और हम आज जिस प्रकार से देश में हालात चल रहे हैं, इस से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ज़रूरत है बाबा साहब के उस संघर्ष को आज के समय भी याद करने की और समझने की। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम लोग, खासकर इस समाज के, इस भारत के समाज के दलित और बहुजन समाज के लोग, आज भी अपनी उन हकों की लड़ाइयों को सड़कों पर लाठी डंडे खाकर मांगने को आज हम मजबूर हैं, जो बाबा साहब हमें भारत के संविधान में सन 1950 में ही दे गए थे। लेकिन इस देश की मनुवादी सरकारों ने कभी भी उन अधिकारों को उस रूप से कभी भी लागू नहीं होने दिया जिसकी वजह से हम सत्ता में आए या हम लोग मजबूत हों। क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जहन में कि जिन कॉलोनियों को हरिजन बस्ती कहा जाता है, वैसे तो हरिजन शब्द असंवैधानिक है, पर जितनी भी कॉलोनियां हैं अनऑथराइज्ड हैं, उनमें खासकर दलित समाज के लोग ही ज़्यादा क्यों रहते हैं? जितनी भी इस देश में झुग्गी बस्तियां हैं उसमें दलित समाज के लोग ही ज़्यादा बड़ी तादाद में क्यों रहते हैं? क्यों नहीं हमारे लोगों के घर 100 में से 1% ही पॉश कॉलोनियों में मिलते हैं? क्यों हम लोगों ही आज रोजी रोटी और रोजगार के लिए आज भी भिखारी बने हुए हैं? क्यों इस देश में हमारे समाज की सबसे ज़्यादा बहन बेटियों की अस्मिता से आज भी खेला जाता है और सरकार उस पर संज्ञान तक नहीं लेती? क्यों बाबा साहब के बनाए हुए एक एक कानून को रोज कुचला मसला जा रहा है और हम लोगों को बिल्कुल बेबस बनाने की प्रक्रिया रात दिन चालू रहती है, जबकि हम लोग इस देश के मूल निवासी थे, हैं और हमेशा रहेंगे? क्यों आज आज़ादी के इतने साल बाद भी सिर्फ और सिर्फ जो मसीहा इस देश के सर्व समाज के लोगों को, सारे वर्ग के लोगों को, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को बराबरी के अधिकार दे के गया, क्यों सिर्फ उसी मसीहा की मूर्तियां आज भी तोड़ी जाती हैं? तो बड़े सोचने का विषय है कि जब हमारे मसीहा बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तब उन्हें कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा होगा। आज हम और आप मिलकर सड़कों पर उतरकर उनके द्वारा बनाए गए कानून को बचाने के लिए इतनी तकलीफ झेल रहे हैं। हमारे नौजवान साथी आज भी जेल में, झूठे मुकदमों में अंदर, आज भी जेल के अंदर फंसे हुए हैं, बेफिजूल में अपने हक की लड़ाई मांगते हुए युवाओं पर रासुका लगाकर जेल में डाला गया है। और जो लोग खुलेआम देश की धज्जियां उड़ाते हैं, वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। क्यों हमारे भोले भाले युवाओं को बड़ी से बड़ी धाराओं में FIR रजिस्टर कर आज भी कैद किया जा रहा है? तो सोचिए उस ज़माने में जब बाबा साहब हमारे और आपके लिए, हमें पशु से इंसान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, तब तो छुआछूत पूर्व सीमा पे था और एक भी अधिकार हमें नहीं था, तब हम गुलामों के भी गुलाम हुआ करते थे। तो शायद शब्द नहीं है हमारे पास उनकी पीड़ा को बयां करने के लिए।
क्योंकि आज हम लोग जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस देश का बहुजन जिस पीड़ा से गुजर रहा है, वो बड़ा चिंताजनक है। जिस मसीहा की मूर्ति उनके परिनिर्माण के बाद आज भी तोड़ी जाती है, तो जब वो जिंदा था तो उसके साथ क्या हाल किया जाता होगा, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हाल किया जाता होगा। तो क्योंकि आप सभी मेरे से बड़े हैं, बाबा साहब की जयंती मनाने का सही मकसद और सही लक्ष्य तो तभी साबित होगा जब हम बाबा साहब के द्वारा दिए हुए कानूनों की रक्षा कर पाए, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा दें। चाहे आप रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि उन कानूनों को समझें, और उन कानूनों को जब तक समझेंगे नहीं पढ़ लिख कर, तो उससे अपने जीवन में फ़ायदा कैसे उठाएंगे। और जब जब उन कानूनों का सरकार हरण करेगी, तो उन कानूनों को बचाने के लिए लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो सबसे ज़रूरी अपने बच्चों को शिक्षा देना है। और समाज की एक बहुत बड़ी कमी मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव में देखी है कि जब जब डंडा पड़ता है ऊपर से सरकार का या किसी भी बुराई का, तब हम लोग एक होने का काम करते हैं, और जहाँ तक खुशी की बात आए तो सिर्फ 14 अप्रैल के दिन इकट्ठा होने का काम करते हैं। नहीं, हम लोगों को बार बार इकट्ठा होना पड़ेगा, खुशी मनानी होगी, साथ में दुख को बांटना होगा, और बाबा साहब के संघर्ष को हर पल हर दिन जितनी बार हम सांस लेते हैं, क्योंकि ये सांस जो हम ले रहे हैं वो बाबा साहब की बदौलत है, वरना सांस लेने के लिए भी सर यूं झुका होता था और गले में हड्डियां बड़ी होती थी। तो क्या आप लोगों की और हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम लोगों की नादानी की वजह से, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ कि हमारी और आपकी नासमझी और नादानी की वजह से आज हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें ताकत में आने का समय मिलता है, या हमारा समय आता है ताकत में आने का, तो हम लोग बहक जाते हैं, झूठे वादों में आ जाते हैं, क्योंकि इस देश के भोले वाले लोग हैं, पढ़ते लिखते भी उस लेवल पे नहीं है जिस पे बाबा साहब अधिकार दे के गए थे और जो उनका सपना था। तो बाबा साहब की जयंती अगर आप लोग सच में मनाना चाहते हैं और दिल से यहाँ पर इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो आदरणीय साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी यही अपील है कि इस देश को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुंचाने के लिए मनुवादी ताकतें लगी हुई हैं, और क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो आपकी और हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बाबा साहब के संघर्ष को जाया ना होने दें, और अपनी एकता का परिचय न कि सिर्फ 14 अप्रैल और न कि सिर्फ सरकार के द्वारा जो हम पे अत्याचार होते हैं उन दिनों पर इकट्ठा होकर, हम लोग थोड़ा समझदारी से काम करें और अपनी एकता को, अपने भाईचारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के साथ आगे बढ़ाएं और एक होके रखें। और जब भी कभी कोई पीड़ा आए या कुछ दुख आए या खुशी भी आए, तो बाबा साहब के संघर्ष को ज़रूर याद रखें कि जो भी कुछ आज हम हैं, तो सिर्फ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की वजह से हैं। क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम इंसान नहीं होते, और चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। इंसान के रूप में भी हमें जानवर बना के रखा हुआ था। मैं तहे दिल से बार बार हार्दिक अभिनंदन, और आप जिन्होंने इस मंच की तैयारी करी है, इतना सुंदर कार्यक्रम करा है, तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने समाज के लोगों को एकत्रित करके बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब को याद करने के लिए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि उनका जन्मदिन मनाने के लिए पैसे भी खर्च करे हैं, व्यवस्था भी करी है, समय दिया भी है और लोगों से मांगा भी है। आपके इस जज्बे को तहे दिल से मेरा क्रांतिकारी जय भीम है। आदरणीय साथियों, आप लोगों ने मुझे इतने मान सम्मान से सुना और यहाँ बुला के मुझे इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अपने समाज को सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी ताकत ही मनुवादी सोच रखने वाले व्यक्तियों की कमजोरी बनेगी एक दिन, और आज बन भी रही है, जैसा कि आपने देश का माहौल तुरंत बदलते हुए देखा भी है। तो आप अपनी ताकत का परिचय और अपनी ताकत को हमेशा ध्यान में रखें और एक रहें। आप सभी को हमारे मसीहा के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल हो, हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण करें, हम सभी लोग बाबा साहब की जयंती इसी प्रकार से हर दिन मनाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।